नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। हम हैं गोवा में। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ बहुत अलग अलग तरह के बीच हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, हरियाली है और देश विदेश के लोग हैं। जी हाँ गोपाल जी। जी गोपाल जी, हमारे आगे और पीछे जो मछुआरे हैं जी, वो जो जाल बिछा रहे हैं वो क्यों बिछा रहे हैं? गोपाल जी आपको इतना भी नहीं पता, मछली फंसाने के लिए और क्यों? जी हाँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी मछलियाँ भी होंगी जरूर जो जाल में नहीं फंसना चाहती। गोपाल जी आप मुझे क्यों शब्दों के जाल में फंसा रहे हैं, साफ साफ बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज हमारे देश की शान किसान हैं, खोड़िये गांव के श्री कृष्ण प्रसाद गाडगिल, वो भी कुछ ऐसे ही इंसान हैं जो जाल में नहीं फंसना चाहते। मतलब ये कि अगर उन्होंने मन में ठान ली कि मैं खेती ही करूँगा तो फिर वो खेती ही करते हैं। गोपाल जी आपके शब्दों का जाल ना और भारी होता जा रहा है, मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। चलिए एक छोटा सा वीडियो देखेंगे और जानेंगे कि क्यों बने कृष्ण प्रसाद गाडगिल जी हमारे देश की शान। हाँ ये ठीक रहेगा। कृष्ण प्रसाद गाडगिल उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जो कृषि के महत्व को बखूबी समझते हैं। स्नातक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कृषि को अपने रोजगार के रूप में चुना और चल पड़े अपनी एक अलग पहचान बनाने की राह पर। मैंने पिताजी से बोला कि एक दो या तीन बरस मैं अपने हिसाब से थोड़े चेंजेस करना चाहता हूँ खेती में, तो अगर आप परमिट करें मैं आपको हर चीज़ की इत्तला करूँगा, हर चीज़ बताऊँगा, आपको पूछ के ही करूँगा, लेकिन जैसा मेरे मन में है वैसा थोड़ा करना चाहता हूँ। तो पिताजी ने मुझे बोला वेरी गुड, आप आगे जाइए। जज्बा तो था ही, बस अब समय आ गया था अपनी सोच को एक आयाम देने का। जब मैंने शुरू किया तो पहले मेरे पास डेयरी थी, मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज और हो जाऊँ, उसके साथ में मैंने वर्मी कंपोस्ट का प्लांट चालू किया, तो मेरे खेती की जो मैन्योर की मतलब जो हम खाद डालते हैं उसकी जो ज़रूरत थी तो उससे पूरी होने लगी। ये मेरा कंट्रीब्यूशन है गोवा के फार्मर्स के लिए कि 2009 में पहले बार मैंने मेरे गन्ने को इनलाइन ड्रिप सिस्टम जो है वो बिठाया और जो उसका जो यील्ड आया इट वॉज माइंड ब्लोइंग। पर अभी अभिलाषाएं कम नहीं हुई थी, गाडगिल जी अभी कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 100 एकड़ जमीन को कृषि योग्य बनाकर उसमें पूर्ण जैविक खेती करने की सोची। ये कैसा नहीं होगा, जो सबके पास है वो मेरे पास नहीं, कुछ अलग रहना चाहिए। That was a passion. सबके पास तो नारियल है, सबके पास एरेका है, सबके पास मेरे, लेकिन उसमें कुछ अलग रहना चाहिए। इट शुड बी अ सेपरेट आइडेंटिटी। हाँ कृष्ण प्रसाद गाडगिल, ओके, दिस अ मैन हु हैज डन दिस। अब बस सामने एक ही लक्ष्य था और वो लक्ष्य था धरा पर लहराती हुई हरियाली देखने का लक्ष्य। पूरा जंगल था, पूरा मतलब पूरा जंगल था, डेंस फॉरेस्ट पूरा क्लियर किया और गन्ना लगाया उसमें। जिस मकसद से उन्होंने इतनी मेहनत की वो मकसद था लोगों तक अच्छी गुणवत्ता की खाद्य सामग्री पहुंचाना। इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए उन्होंने एक उपाय भी ढूंढ निकाला। जो चीज़ हमारे फार्म में पकती है, जो बनती है, जो उगती है, वो हम हमारे शॉप पे बेचते हैं। उससे क्या होता है कि लोगों को एक गारंटी रहती है कि ये फार्म से डायरेक्ट आया है, फ्रेश मिलता है, और उनको एक उस चीज़ से लगाव हो जाता है और गारंटी रहती है कि ये बाबा नेचुरल है, ये उसके उस पर ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। वो जैसे कि रासायनिक प्रक्रिया करते हैं सब लोग, मतलब केला वगैरह वो पकाते हैं, वो ऐसा तो कुछ हम करते नहीं हैं। इसके लिए अभी 2003 में मैंने वो आउटलेट चालू किया, अभी 2015 आया, तो आई हैव गेन मतलब लोगों का जो विश्वास है हमारे ऊपर वो बहुत अभी तो बहुत जुड़ गया है। जब इंसान अलग राह पर चलने की सोच ले तो ज़रूरत होती है हम सफ़र के साथ की, जो गाडगिल जी को बखूबी मिला। मेरी जो पत्नी है, मेरी जो सहचरनी है, उसका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं दे पाती या अपना योगदान नहीं दे पाती तो मैं ये कर नहीं सकता था। एक बार फिर
से स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। और स्वागत है आपका खेती के इस अड्डे पर जहां हमारे साथ होंगे दो मेहमान। पहले होंगे देश की शान किसान और दूसरे होंगे कृषि विशेषज्ञ और ये बनेंगे हमारे जजेस। और हमारे साथ होंगे चार चुने हुए किसान प्रतियोगी जिनके साथ हम खेलेंगे खेती का मुकाबला और जिसके जरिए हम चुनेंगे इस हफ्ते का बेहतरीन किसान। तो आइए सबसे पहले बुलाते हैं हमारे देश की शान श्री कृष्ण प्रसाद विनायक गाडगिल जी को। गाडगिल साहब, जैसे हमने आपके वीडियो में देखा, आप बहुत जगह घूमते रहे, नेट पे आपने बहुत रिसर्च किया, इंटरनेट पे, और आपने बहुत सारी नई नई तकनीक अपनाई है। जब आपने दूसरी जगह से ये तकनीक खोजी और आपने यहाँ पर उसको अप्लाई किया तो कुछ दिक्कतें आईं? दिक्कतें मतलब पहले तो इधर टेक्निकल नो हाउ की कमी थी। वो हमें जब भी हम इनको इंस्टॉल करते हैं कोई नई चीज़ तो उसके बारे में पूरा पता करना लेता है और लोगों को समझाना पड़ता है। तो गोवा में जो हमने अभी ऑटोमेशन वगैरह किया है उसके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जो कंपनी हमने चुनी थी उन्होंने बहुत हमको हेल्प किया है। उनके जो टेक्नीशियंस है वो आके इधर आके हमें उन्होंने पूरी जानकारी दी उसके और पूरे इंस्टॉलेशन करने में भी हमारी बहुत मदद की। ये जो मतलब जो पानी की जो सिंचाई की बात कर रहे हैं आप, जिस तरह से जो ड्रिप इरीगेशन है उसके साथ में जो ऑटोमेशन बनवाया है हमने, जो कि स्वयंचलित यंत्रणा जिसको बोलते हैं, क्योंकि आप अगर अपना जो इरिगेशन का तरीका है जो उसके उसमें फीड किया जाता है और वो जैसे कि आप उसमें फीड करते हैं तो उस हिसाब से वो चलता है। अगर आपको सुबह में 4 बजे पंप स्टार्ट करना हो तो कोई आदमी जाके उधर स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वो प्रोग्राम आप फीड कर लीजिए उसमें तो 4 बजे आपका पंप चालू हो जाएगा। अगर 2 घंटा एक वॉल चलाने का हो तो वो 2 घंटा चलाएगा, बाद में स्विच और दूसरे वॉल पर करने का हो तो अपने आप करेगा। उसमें बीच में अगर आपको फर्टिगेशन देना हो तो वो फर्टिगेशन पंप भी अपने आप चालू करेगा, जो कि वाटर अवेलेबल फर्टिलाइजर्स तैयार करके रखने पड़ते हैं वो डोज करेगा और उसमें वो सिस्टम में डाल देगा। ये सब काम अपने आप हो जाते हैं। और उसका स्टेटस अगर कनेक्टिविटी हो तो आप दुनिया में चाहे किसी कोने में हो तो आपको मिल जाता है। और उसमें इससे ये होता है कि एग्जैक्ट क्वांटिटी में पानी मिलता है, हम पानी की भी बचत कर सकते हैं, बिजली की भी बचत कर सकते हैं। हर एक झाड़ को एक डेफिनेट क्वांटिटी रहती है कि एक पेड़ है उसको 4 लीटर पानी लगता है, एक पेड़ है उसको 2 लीटर दिन में पानी लगता है। जिसको जितनी जरूरत हो उतना पानी दे सकते हैं, प्रोग्राम करके आप दे सकते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि आपने ये सिस्टम इसलिए लगाया होगा कि आप समय बचा पाएं, लेकिन आप समय इसलिए बचाते हैं कि आप दूसरे चीज में ज्यादा समय दे पाएं, आप मेहनत बहुत करते हैं। आप एक्चुअली क्या है, ये जो हम खेती करते हैं और जब भी आपके पास अगर कोई बड़ा लैंड हो तो उसके मैनेजमेंट में बहुत लेबर, मतलब ज़्यादा लेबर रख के मैनेजमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है। और खेती में एक मेरे हिसाब से मैं एक मतलब एक तंत्र है कि जो काम जो टाइम पे होना चाहिए, जिस जो वक्त पे होना चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो कोई मायने नहीं रखता है। तो गाडगिल सर, नॉर्मली ऐसा जब हम सोचते हैं तो खेती और कंप्यूटर, इसका कनेक्शन हमको लगता नहीं कि इसका कोई संबंध है। तो आपको ये संबंध कि टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स और इसके साथ खेती को जोड़ने का ये प्रेरणा, ये विचार कैसे आया आपको? हमारे मराठी में एक कहावत है, गरज गरज मीन्स नीड, ही शोधाची जननी है। अंग्रेजी में कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। पानी देने में हमें बहुत दिक्कत आता था। एक तो गोवा में वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहता है, लेकिन कभी अगर अचानक से बिजली चली जाए तो अगेन मतलब जो हमारा आदमी रहता है वो जाके लाइट आया कि नहीं, करंट है कि नहीं, वो देख के मोटर चालू करने पड़ते हैं। और टाइम का इस्तेमाल करने के लिए ये तकनीक बहुत हमें मतलब फायदेमंद साबित हो सकती है। सो जब भी हमने ये देखा कि हमें बहुत दिक्कत आती है, फर्टिगेशन करने में दिक्कत आती है, इरिगेशन करने में दिक्कत आती है, तो हम सोच रहे थे कि इसके ये ओवरकम कैसे किया जाए। तो उससे हमें और बाकी एक किसान जो है वो केला ने देशाटन पंडित मैत्री सभ्यत संचार, मतलब जो अगर जगह जगह पे ना जाए, अगर नई तकनीक नहीं देखे, नई बातों को समझ ना ले तो कुछ नहीं कर सकता है। एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो इलाका है यहाँ पर काफ़ी बाकी किसान जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लोग दूसरे दिशा में जा रहे हैं, लेकिन आपने सोचा कि बस यही करना है काम आपको? हाँ, एक्चुअली क्या है, आफ्टर मतलब ग्रेजुएशन के बाद
एक्चुअली गोवा में देखिए तो माइनिंग कम्युनिटी ज़्यादा है, लोग माइनिंग में ज़्यादा जाते हैं। हमारे जैसे बोले, मैं तो अभी थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन जो यंग जनरेशन है तो खेती में आने के लिए उतना प्रेरित नहीं थे वो टाइम पे। लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट वो टाइम अलग हो गया है, जो कि हमारे यूथ जो आते हैं वो पॉलीहाउसिस के जरिए या ये आधुनिक तकनीक के जरिए खेती में आना चाहते हैं। बहुत सारी बातें अभी आपके साथ करनी बाकी हैं और खेती का मुकाबला भी होगा, उससे पहले हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे खेती के अड्डे पर आए। तो यहां पर हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द ही लौट के आइएगा। आपका समय शुरू होता है। वेलकम बैक, यानी कि पुनः एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है देश की शान किसान। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ आने वाले हैं ICAR के सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, सॉइल के यानी मिट्टी मृदा के विशेषज्ञ हैं श्री राहुल मुकुंद कुलकर्णी। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे विशेषज्ञ राहुल मुकुंद कुलकर्णी जी का। कुलकर्णी साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, 2015 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द सॉइल, तो भारतवर्ष में और विदेशों में क्या आयोजन हो रहे हैं, इस पर कुछ विचार विमर्श हो रहा है, किस तरह से बात आगे बढ़ रही है? आपने सही प्रश्न पूछा है कि एग्रीकल्चर में सॉइल को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है इस साल के लिए, तो सॉइल का इम्पोर्टेंस बताने के लिए हर साल अलग अलग थीम्स लिए जाते हैं, और इस साल का जो 2015 का ईयर है वो इंटरनेशनल ईयर फॉर सॉइल्स घोषित किया गया है, जिसमें हम सॉइल के ऊपर का महत्व किसानों को बताएंगे और किसानों से ज़्यादा फसल का उत्पादन ले सकते हैं उसका। हमारे जो अन्य मेहमान रहे हैं उनमें से तो कईयों ने यहाँ तक भी कहा है कि मिट्टी जो है वो हमारी माँ है। हाँ, तो मिट्टी का महत्व है जो किसानों के लिए, उसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकती बात। उसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। सही बात कही आपने। तो मिट्टी में आजकल क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं गोवा में? एक्चुअली गोवा का जो सॉइल का कंडीशन है वो लैटराइटिक सॉइल है, यहाँ पे पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी यहाँ पे रुकता नहीं है, तो पानी का लीचिंग आउट ज़्यादा होता है, और यहाँ पे उसका पीएच भी अलग है थोड़ा सा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा अगर विचार किया जाए तो सॉइल को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है इसमें। तो कुलकर्णी साहब, जो किसान हैं जो जिनकी खेती समुद्र के और नज़दीक है, हाँ, और कुछ किसान होंगे जिनकी थोड़ी अंदर की तरफ है, थोड़ी जो पहाड़ों की तरफ, वेस्टर्न घाट्स की तरफ और ज़्यादा आ जाती है, तो दोनों सॉइल में बहुत अंतर है क्या? दोनों सॉइल में बहुत अंतर है और वातावरण में भी फ़र्क आता है। ये वातावरण के फ़र्क के कारण यहाँ पे जो प्रोडक्शन लेवल है उसमें भी कमी या ज़्यादा दिखाई देती है, उसके ऊपर भी अनुसंधान की ज़रूरत है, और इसलिए ICAR ने ये अनुसंधान का केंद्र यहाँ पे दिया है। और गोवा में इस साल ICAR ने सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से ये इंस्टीट्यूट को विस्तारित किया है, जिसमें तटीय क्षेत्रीय कृषि के ऊपर अनुसंधान का प्रयोजन किया गया है। उससे फ़ायदा यह है कि गोवा के किसानों को और तटीय क्षेत्रों के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने का यहाँ से महत्व मिल सकता है। चलिए, आपसे बहुत सारी और बातें करनी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हमारे शो में। खेती का मुकाबला होगा, आपको जज बनना होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। यस, गोपाल जी। जी गोपाल जी, अब जजेस तैयार हैं, मंच भी तैयार हैं, बुलाया जाए प्रतियोगियों को। जी हाँ, वक्त आ गया है अपने प्रतियोगियों को बुलाने का, लेकिन उससे पहले उनके बारे में देखते हैं ये छोटा सा वीडियो।
हर हफ्ते बेहतरीन किसानों को चुनने की प्रक्रिया में हमारी टीम हर इलाके के कृषि विज्ञान केंद्रों तक जाती है। वहाँ किसानों की लंबी फहरिस्त में से हम चुनते हैं हफ्ते के 4 किसान प्रतियोगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विनोद गोपाल बर्वे। राजेश बाबाजीराव राणी। मेरा नाम महेश गणपत देसाई। मुबारक हो, आप चुन लिए गए हो। आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत खुशी हो रही है कि मेरा नाम सिलेक्ट किया गया है, मेरे को यहाँ पे बुलाया गया है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। स्कूल में जाता था तभी गेम खेलता था, इस बात कहीं गेम नहीं खेला, इसलिए थोड़ा अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जैसे किसानों को आप लोग कहाँ तो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, अच्छा लगा। हाँ उम्मीद है, जीतने की उम्मीद है। हाँ बहुत कोशिश करेंगे हम जीतेंगे ही। जीतने के लिए तो खेलेंगे, अभी देखेंगे क्या होता है वो। तो चलिए देखते हैं इन 4 चुने हुए प्रतियोगियों में से कौन बनता है इस हफ्ते का बेहतरीन किसान। तो बुलाते हैं आज के अपने पहले प्रतियोगी को, श्री विजय कुमार उदय देसाई जी। तो विजय जी, आप पंशे गांव से हैं, आपके काजू के भी फार्म हैं, आप गाय भी पालते हैं, बाकी लोग जो हैं गांव में क्या वो भी ज़्यादातर काजू की खेती करते हैं या? गांव में बाकी का ज़्यादा तो माइनिंग है, काजू थोड़ा है और पेड़ी तो नहीं है उधर, और नारियल और सुपारी का थोड़ा फार्म है। तो जो आपने गाय पाल रखी है उसकी जो गोबर आती है क्या वो आपके खेत में काफ़ी काम आता है उसका? खेत में काफ़ी काम आता है वो, सुपारी केला और बाकी को जो हम स्पाइसेस मीरी उसको देते हैं, और थोड़ा बहुत काजू को देते हैं और आम को देते हैं। विजय जी आप खेल खेलते हैं, कोई खेल खेला है आपने? पढ़ाई के बाद खेल खेलना बंद हुआ है। जो जब पढ़ाई करते थे तब कौन से खेल खेलते थे? क्रिकेट ज़्यादा खेलता था, टेबल टेनिस और कबड्डी, ऐसा कॉलेज के टीम में पार्टिसिपेट करता था। तो हमारे जो यहाँ पर मुकाबले हैं उसमें भागा दौड़ी भी बहुत होगी, तो आपको याद करने पड़ेंगे क्रिकेट वाले दिन। तैयार है? तो आप अपने स्थान पर बैठिए। चलिए बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को, श्री विनोद गोपाल बर्वे जी, जो सातोड़े गांव से हैं। विनोद जी, आप भी सुपारी की और कोकोनट की, नारियल की खेती करते हैं ज्यादा? हाँ जी। बहुत सारे लोग यहाँ वो इंटरक्रॉप वाली खेती करते हैं, मतलब कई तरह के पौधों को एक साथ उगाते हैं, तो आप भी ऐसे करते हैं या? सर हम जो उगाते हैं ना उनको हम कुलागर बोलते हैं, लोकल भाषा में कुलागर बोलते हैं। उसमें सर हम सुपारी, नारियल, केला और पेपर चारों एक साथ लगते हैं। अच्छा, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, तो एक कुलागर का मतलब क्या है? कुलागर इज अ प्लेस, यानी वो जगह जहाँ सब कुछ हो सकता है। अच्छा। और इसको पानी की जरूरत ज़्यादा होती है ऐसा, और इसको अंग्रेजी में मल्टी स्टोरीड फार्मिंग भी कहते हैं। या, यस जी। ठीक है, तो हाइट के हिसाब से मल्टी स्टोरीड। हाँ, एक वो चारों जो तरह के पेड़ रहते हैं ना वो एक दूसरे को मदद करते हैं। तो उनकी फाइबर रूट सिस्टम रहती है सबकी, वो टैप रूट सिस्टम में नहीं रह जाती, तो वो एक दूसरे को मदद होती है उनको, इसलिए वो प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अगर चारों तरह के रहे ना तो हर एक की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। तो आपने अगर ज़्यादा चारों उगाए तो फिर मिट्टी पे भी कुछ अच्छा असर पड़ता है उसका? हाँ असर पड़ता है ना, हम जब केला कट करते हैं ना सर तो पूरा पेड़ ख़राब हो जाता है, पूरा पेड़ ख़त्म हो जाता है। वो पेड़ जब गिरता है तो उससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, तो सुपारी और नारियल को उसका ये होता है, फायदा होता है। तो आप बिल्कुल तैयार होके आए हैं? रेडी हैं। तो आप अपनी जगह पे बैठिए, हम मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। हमारे अगले प्रतियोगी हैं, हमारे अगले चुने हुए किसान हैं महेश गणपत देसाई जी। तो महेश जी आप किस चीज की खेती करते हैं? काजू का ज्यादा है और गन्ना की भी है। यहाँ पर गन्ने की खेती करना आसान है गोवा में? आसान यानी क्या है, हमको यहाँ जानवर का ज़्यादा होता है, तकलीफ होता है, यानी सुअर, यानी माकट, बंदर। आपने कभी ऐसे खेल खेले हैं खेती से संबंधित, कोई खेल पहले खेले हैं? अभी नहीं, कभी कभी नहीं खेले। चलिए, तो आपके लिए एकदम नई चीज़ होगी, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार खेती का मुकाबला। आप अपनी जगह पर बैठिए, मुकाबला अभी शुरू होता है। तो चलिए बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को, वांते गांव से हैं श्री राजेश बाबाजीराव राणे।
राजेश जी, वीडियो में हमने देखा कि आप फ्लोरिकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फूलों की खेती जो है, इससे पहले क्या करते थे? एक्चुअली बेसिकली आई एम ए सिविल इंजीनियर माई प्रोफेशन, तो पूरा मैं कॉन्क्रीट का आदमी हूँ। बाद में ये नया चीज़ मेरे को मिला और जो नया टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट का जो आया, पॉली हाउस जो टेक्नोलॉजी आया, उससे हम लोगों ने अडेप्ट किया यहाँ पे गोवा में। अभी जो भी हम लोगों ने अडेप्ट किया तभी वो नया था थोड़ा, द कॉन्सेप्ट वॉज टोटली न्यू। लेकिन अभी जिस बार अभी हम लोगों ने भी अडेप्ट किया तो अभी बहुत से लोग इसमें आ रहे हैं और हम लोगों ने बाद में इसमें थोड़े फूल लगाए, जैसे कि क्रिजेंटिमम फूल लगाए हम लोगों ने, अभी ग्लैडेलियस फूल लगाए हैं। अभी हमारे थोड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो ऑर्किड में आ रहे हैं, एंथेरियम में भी हमारे थोड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी स्लो थोड़े विद क्वांटिटीज और कम है अभी, लेकिन अभी कुछ आ रहा है गोवा में। और स्पेशल जो चीज़ है गोवा में, हमारा एक जो लक है यहाँ पे हमारे फार्मर का, कि जो क्लाइमेट यहाँ ट्रॉपिक का कैप्रिकॉर्न का, वो कैंसर का सॉरी, वो जो क्लाइमेट है वो ऑर्किड एंथेरियम जो फ्लावर है यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए है। तो राजेश जी, आप जब इंजीनियरिंग से खेती में आए तो इसके पीछे क्या वजह थी, कि शौक था या आपको लगा कि पर्यावरण से संबंधित कुछ काम करना चाहिए? वजह यही है कि हमारी पैदाइशी खेती में हुई है, हमारे पिताजी खेती की, हम लोग बॉर्न ही लैंडलॉर्ड हैं भगवान की रूपरा से। बाद में हम लोग जो जो हमारा जो बेस है वो एग्रीकल्चर है, तो पूरी ज़िंदगी नेचर के साथ गई। तो बाहर घूम के बात में तो पता चला कि हम लोग जहाँ कहाँ घूम रहे हैं, जो अपने पास है वो छोड़ के पूरी दुनिया घूम रहे हैं, इधर उधर के कॉन्क्रीट के जंगल खड़े करने चाहते हैं। तो फिर सोचा वापस आ जाऊँ, घर वापस आ जाऊँ। और ये जो एक मोमेंट हो गया मेरे साथ, हम आई विल थैंक आवर डिपार्टमेंट ऑल्सो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारे गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें इधर वापस लाया है। क्योंकि जो टेक्निक हमको दिया यहाँ, जो गवर्नमेंट गोवा गवर्नमेंट जो हम लोगों को सब्सिडी देता है, बहुत ही सब्सिडी देता है, जैसे कि उनका KVK है, हमारा SCR है और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं बहुत ही सपोर्ट करते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा होता रहे और आप सभी लोगों का कारोबार जो है वो भी बढ़ता रहे। गोपाल जी, जी गुरपाल जी, क्योंकि हम गोवा में हैं तो जो हम ब्रेक लेने वाले हैं अभी जी, वो बहुत खास किस्म की ब्रेक होगी, उसको कहेंगे काजू ब्रेक। काजू ब्रेक? जी हाँ, हम ब्रेक में काजू खाएंगे भी। और आपने काजू का फल देखा है, वो जो काजू होता है ऐसा ऊपर से शुरू होता है और घूम के वापस आ जाता है जी। तो हमारे दर्शक भी ऐसे करेंगे, जाएंगे और घूम के वापस आ जाएंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आने वाले हैं। आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, दिखाइए जरा क्या ब्रेक, काजू ब्रेक, यूं जाइए और यूं आ जाइए। कौन है इस प्रथम चरण के यानी कि फर्स्ट राउंड के विजेता? स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। गोपाल जी, जी गोपाल जी, आपने काजू ब्रेक ले लिया, काजू तो मिला नहीं मुझे। नहीं, लेकिन मुझे मिला तो सही। आपको मिल गया? आपको काजू नहीं मिला? नहीं। अरे मुझे मिल गया, ये देखिए। दिखाइए दिखाइए, ये देखिए। हाँ दिखाइए, ये ऐसे खा भी लिया मैंने। काजू खा लिया आपने जी। अब मुकाबले को आगे बढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मुकाबले का पहला चरण। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ दो टोकरियां रखी हुई हैं, उस टोकरी में हमने रखे हैं कुछ मसाले और जिस पौधे पे वो उगते हैं उनके कुछ पत्ते हमने इस टोकरी में रखे हैं। आपको एक एक करके जाना है, उसमें से सिर्फ एक उठाना है, एक से ज़्यादा नहीं उठा सकते एक टाइम पे। यहाँ पर आके उसका पत्ता चुनना है और वो हमें देना है। जितने ज़्यादा जो कर पाएगा वो इस चरण का विजेता होगा। पहले मैं प्रतियोगियों को सावधान कर दूं, ये गोपाल जी जो है ना बहुत शरारती हैं, ये बीच बीच में आके कुछ ना कुछ आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं मैं मदद कर रहा हूं लेकिन तंग करते हैं ये, तो आप इनसे बच के रहिएगा, आप उसी पर ध्यान दीजिएगा, इन पे ध्यान मत दीजिएगा। और ये भी बता दीजिए कि इस सब के लिए इन्हें सिर्फ एक मिनट का समय मिलेगा यानी कि 60 सेकंड। तो आप लोग तैयार हैं? इससे पहले हम उठा लेते हैं एक घड़ी और एक भोंपू। ठीक है, तो चलिए बुलाते हैं अपने पहले प्रतियोगी को। विजय जी आ जाइए। मैं भोंपू बजाऊंगा, उसके बाद आपका समय शुरू होगा और आपका समय शुरू होता है अब। देखिए इतनी ये मुझे देने आ रहे हैं। अरे चलेगा गोपाल जी, मैं मदद कर रहा हूं। नहीं नहीं, आप मदद नहीं करें, आप मुझे दीजिए। मुझे नहीं, उन्हें दीजिए, मैं तब तक सूंघता हूँ। बहुत कम समय आपके पास।
ये करेले का पत्ता है, देखिए करेले का पत्ता है ये। अरे गोपाल जी देखिए, मैं अच्छा मैं इधर इनकी मदद कर देता हूँ। आप ना वहाँ पर कीजिए ना यहाँ पर कीजिए, लाइए। दूसरा हो चुका है, आधा मिनट पूरा हो गया आपका। अदरक वाली चाय, अच्छा चलिए हल्दी वाली चाय। आपके लगभग 40 सेकंड हो रहे हैं, जितना जल्दी आप कर सकें। ये सुपारी ले जाइए, ये सुपारी है। अरे आप बात तो कीजिए मुझसे। अरे आपसे बात नहीं करें तो उनका ही फायदा है गोपाल जी। देखिए आप तंग मत कीजिए, मैं ही खा लूं सुपारी। आपके पास बचे हैं 8 सेकंड। ये ले लीजिए सुपारी। 4 सेकंड बचे हैं आपके पास। 4 बचे हैं। 3, 2, 1। भौंपू बच चुका है, बच चुका है, समय समाप्त। लेकिन ये ले लिया जाए, ये ले लिया जाए। अब जजेस देखकर फैसला करेंगे कि इन्होंने सही चयन किया है या नहीं। अब बुला लेते हैं अपने दूसरे प्रतियोगी को। जी हाँ, बीनी बीनी बारिश भी हो रही है, अब खेल में और भी मजा आएगा। आप तैयार हैं? बारिश में भी खेलने के लिए तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है अब। दौड़िए दौड़िए, देखिए विजय जी ने काफी दौड़ लगाई है और विजय जी से भाग रहे हैं। विनोद जी आप विजय जी से जीत सकते हैं अगर आप मेरी मदद लें। नहीं नहीं बिल्कुल, मिर्ची। अरे थैंक यू। नहीं मिर्ची, इसकी आपने कभी दाल तड़का खाया मिर्ची वाला? अरे वो कुछ भी पूछते रहेंगे आपसे। ये मेरे ख्याल से ये मुलेठी है क्या? अरे मुझसे बात तो कीजिए। चलिए मैं देखिए आपको बताता हूँ कितनी तेजी से। आप मत कीजिए ऐसे। ये देखिए ये गोपाल जी, आधा मिनट हो चुका है इनका। आधा मिनट हो चुका है, मत कीजिए। आधा मिनट हो चुका है, आप में से कोई इलायची खाएगा? विजय जी इलायची, पान का पत्ता दे दिया आप। इलायची ले जाइए, पान तो ले आए हैं आप। अरे ये तो सुनिए, आपके पास 10 सेकंड और हैं। मैं क्या बोल रहा था? नहीं नहीं गोपाल जी वापस आ जाइए। गोपाल जी सिर्फ 10 सेकंड है, आप वापस आ जाइए। 10 सेकंड है, 10 सेकंड है। अरे टक्कर हो गई बिल्कुल। और 3, 2, 1। भौंपू बच चुका है, भौंपू बच चुका है। सॉरी ये वाला बच गया था, ये हम नहीं ले पाएंगे। वक्त आ गया है अपने तीसरे प्रतियोगी को बुलाने का। जी हाँ, हमारे तीसरे प्रतियोगी है महेश जी। महेश जी तैयार है? तैयार है, बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल, एक बार थोड़ा ऐसे ऐसे कर लीजिए। हाँ ये बार। अरे वाह, बहुत बढ़िया। महेश जी एकदम तैयार है जैसा कि आप देख चुके हैं। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। बहुत बढ़िया, देखिए महेश जी मेरे काम आया, मैंने ऐसे ऐसे करवाया था आपसे। ये देखिए ऐसे ऐसे करते रहिए। मुझे 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 दीजिएगा आप। हल्दी, हल्दी ले गया? हल्दी के बारे में कहावत सुनी नहीं रहा है आप? मत सुनाइए आप। देखिए ये कबड्डी को ले जाइए, ये मुलेठी है। मुलेठी पता है? ये मुलेठी है क्या गोपाल जी? जी वो कबड्डी खेलते थे, आप भी कबड्डी खेलते हैं, आप क्या मुकाबला करेंगे उनसे? चलिए एक बार कबड्डी कबड्डी खेलते हैं, आइए। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। ये अदरक वाली चाय बना के बनाते हैं, इसको ले जाइए। सुनिए आपके लगभग 40 सेकंड हो गए हैं। 40 सेकंड हो गए हैं जी हाँ। ये ले जाइए ना, अदरक वाली चाय पियेंगे दोनों लोग। अच्छा ये ले गए आप? अभी भी आप कर सकते हैं। चार 3, 2, 1। भौंपू बच चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेला आपने। अपनी जगह बैठ जाइए आप। बारी है अगले प्रतियोगी की, राजेश जी। राजेश जी आप तैयार हैं? जी सर। आपको डांस आता है? डांस तो आता है सर, थोड़ा थोड़ा। हमारे लोकल भाषा में डांस आता है हम लोगों को। अच्छा, जो जल कहते हैं ना वो चतुर्थी का डांस करते हैं हम लोग। अच्छा, अरे वाह, गणपति डांस। क्या बात है, गणपति। और फुटबॉल भी खेलते हैं? फुटबॉल भी खेलते हैं सर। तो आप फुटबॉल का ऐसे करके शॉट मार सकते हैं? जी सर। दिखाइए दूसरे पैर से ऐसे। वार्मिंग अप। वार्मिंग अप। अरे वाह। हाँ
अब इसके साथ एक गोवा का गाना गाइए। हाँ साहेबा पंसड़ी वेता मक साहेबा वाट दा करे मक साहेबा वाट कोला ना दामूचा लगनक वेता मक साहेबा वाट दा करे ना 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 नारे नारे साहेबा मकनक गो मकनक गो। अरे वाह क्या बढ़िया बहुत अच्छा था। तालियां। मैं आपको अपने यहाँ का डांस सिखा रहा था ऐसे मकनक गो मकनक गो, लेकिन बहुत बढ़िया किया आपने। चलिए तो भोंपू बजा दिया जाए आपके लिए जी, और आपका समय शुरू होता है अब। भागिए। अरे गोपाल जी आप गाते हुए ढूंढ सकते हैं पत्ता? नहीं 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 गोपाल जी आप उनको मैं हम करने दीजिए। मैं आपकी मदद करता हूँ, ये ले जाइए ना आप। अरे यार आपने वो खाई कभी लाल मिर्च की चटनी? लाल मिर्च। अच्छा गाना तो गा दीजिए एक बार। अरे नहीं नहीं गाना अलग हो चुका है गोपाल जी, आप बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं आप। एक तो पहले ही तंग कर चुके हैं आप। जी हाँ देखिए मैंने उनको वार्म अप कराया था जिसकी वजह से वो इतना अच्छा दौड़ रहे हैं। ये ले जाइए आप। हाँ 35 सेकंड हो गए हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन। सेकंड ये इलायची आप इसको लेके जाइए, इसकी बढ़िया खुशबू आएगी। देखिए ऐसे ही बाप रे टक्कर होते होते बची है। टक्कर मत कीजिए आप। 5 4 3 2 1 ये वाला रह गया आपका। बस छोड़ दीजिए भोंपू, बच चुका है, समय समाप्त हो गया है, इसको उधर रख दीजिए। मुकाबले का पहला चरण समाप्त हो चुका है, चारों प्रतियोगियों ने बहुत जोश और खरोश के साथ खेला। अब वक्त है पूछने का हमारे जजेस से कि कौन है इस प्रथम चरण के यानी कि फर्स्ट राउंड के विजेता। सभी लोगों ने अच्छा काम किया था। विजय जी को 3 पॉइंट मिल गए, विनोद जी को 3 पॉइंट्स और राजेश जी को 2 पॉइंट्स और महेश जी को 6 पॉइंट्स मिले, और उसमें से विनर है महेश जी। महेश जी, महेश जी के लिए जोरदार तालियां, क्या बात है। तो महेश जी आपको पत्तों की पहचान कैसी हो गई इतनी ज्यादा? हमारे कूड़ागार में है वो सभी झाड़ आए और पत्ते भी आए। इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ क्या कहना चाहेंगे? जो पत्ते होते हैं पत्तों के लिए जो हम खाद डालते हैं, जैसा अब हम नाइट्रोजन का डोज देते हैं, अगर नाइट्रोजन का डोज कम है तो पत्ते येलो दिखने लगते हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन का सही मात्रा में डोज पड़ना चाहिए। और पत्तों से फिर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है और फिर फल धारणा ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो कुलकर्णी सर आपके आप एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि पत्तों की जो हालत है उसको देख के मिट्टी का भी पता लगाया जा सकता है कि मिट्टी में क्या कम है या ज्यादा? सही बात है, आपने सही कहा कि पत्ता ये मिट्टी का आईना होता है। वाह बहुत तो बढ़िया। पत्तों ही हमको बताते हैं कि मिट्टी में क्या कमी है, तो इसके लिए हम सही मात्रा में खाद डालना जरूरी है। कुछ कुछ पत्ते भी काम आ जाते हैं, जैसे हल्दी का अगर पत्ता हो, अगर मैं उसको मसलता हूँ तो उसमें से बहुत अच्छी सुगंध आती है हल्दी की। हाँ ये हल्दी का जो पत्ता है गोवा में ये जो नाग पंचमी का सन होता है, त्यौहार होता है, उसमें हल्दी का पत्तों का एक इस्तेमाल किया जाता है और उसको पातोड़ी का एक डिश स्वीट डिश बनाया जाता है, और वो मेडिसिनल यूज़ भी हल्दी का पत्तों का होता है और वो काफ़ी टेस्टी ये है व्यंजन है। तो अभी ये हमको कहीं खाने को मिलेगी? जरूर मिल सकते हैं आपको। कहाँ मिलेगी पातोड़ी? वो तो सभी जगहों पे बनाया जाता है और वो बनाने के लिए 1-2 घंटे ही काफ़ी है। अच्छा तो ये घरों में बनाई जाती है कि दुकानों में भी मिलती है? ये घरों में ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाती है। ये जो मोदक भी बनाते हैं पातोड़ी जैसे, वो गणेश चतुर्थी को भी बनवाते हैं ज़्यादातर, तो उसमें वो एरोमा मतलब एरोमा आने के लिए ही ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। तो खुशबू आती है उसमें, बहुत बढ़िया खुशबू आती है। देखिए जब भी मिठाइयों की बात होती है तो गोपाल जी और मेरे मुंह में पानी आ जाता है और हमें ब्रेक लेना ही पड़ता है, तो ना चाहते हुए भी हमें ब्रेक पर जाना ही पड़ेगा। जी हाँ हम पानी पी के आते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पानी पी के नहीं मिठाई खा के? अच्छा पानी तो ऑलरेडी आ रहा है। जी 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 सॉरी, मिठाई खा के आते हैं, मुँह का पानी संभालते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप जल्द ही लौट कर आइएगा। आपका समय शुरू होता है।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। गोपाल जी। जी गोपाल जी, ब्रेक के दरमियान आप कुछ मिठाई ढूंढ रहे थे, मिल गई? अरे कहाँ मिठाई मिली, कुछ नहीं मिला। ओहो, तो फिर से ब्रेक लेनी पड़ेगी, लेते हैं। अरे कितना ब्रेक लेंगे भाई, मुकाबले को आगे बढ़ाइए। हाँ जी हाँ बिल्कुल, मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं, अगले ब्रेक में ढूंढेंगे मिठाई। बिल्कुल सही कहा आपने, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं मुकाबले का अगला चरण। गोपाल जी। जी गोपाल जी, ये क्या है उधर रखिए, कैंची मारेंगे तो नहीं मुझे आप? नहीं नहीं। तो फिर क्या टेलरिंग वेलरिंग का इरादा है? जी नहीं, ये कैंची इस्तेमाल होगी हमारे खेती के इस मुकाबले में। आइए आपको गेम समझा देता हूँ। ये देखिए हमारे सामने एक बहुत बड़ा जंगल है, चारों खेतों में हमने कुछ पौधे लगा दिए हैं, कुछ पेड़ लगा दिए हैं। ये सारा का सारा जंगल आपका है और आपको इनमें से जाके कुछ पत्ते चुनने हैं। आपको देखना है इनमें से कौन से वो पेड़ हैं जो हमें सब्जी या फल या खाने की चीज़ें देते हैं। आपको उनके पत्ते पेड़ पर से काटने हैं, हमें देने हैं और हम वो पत्ते हमारे एक्सपर्ट्स को दे देंगे और वो फैसला करेंगे कि आपने सही पत्ते का चुनाव किया है या नहीं। और इसके लिए आपको मिलेगा सिर्फ 2 मिनट का समय। तो आप समझ गए हैं, ऐसे पेड़ों के पत्ते चुनने हैं जो हमें खाने की चीज़ देते हैं, चाहे वो फल हो या सब्जी। एक बार जिस चीज़ का पत्ता ले आए उसका दोबारा पत्ता लाने पर दो बार नंबर नहीं मिलेंगे, एक चीज़ के नंबर एक ही बार मिलेंगे। तो शुरू करते हैं प्रतियोगिता। हमारे पहले प्रतियोगी होंगे विजय जी। विजय जी, ये है आपके पास कैंची और रुकिए, जब भौंपू बजेगा तब आपका समय शुरू होगा। और आपका समय शुरू होता है अब। जितनी ज्यादा वैरायटी आप काट पाए उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। मैं क्या आपकी मदद करूं इसमें? मैं कोशिश कीजिए कि एक एक ही पत्ता काटे आप। एक एक ही पत्ता काटिए, हमारे जजेस समझ जाएंगे कि कौन सा पत्ता इनके एक तरफ रख लीजिएगा ना सब। लाइए मुझे दीजिए। इन्होंने तो मुझे थका दिया। जी आपका 1 मिनट पूरा हो चुका है। जितनी ज्यादा वैरायटी आप लाएंगे उतने नंबर मिलेंगे आपको। और ऐसे पत्ते चुनने हैं जो हमें खाने की चीज देते हैं, जिसके पेड़ या जिसका पौधा हमें खाने की चीज देते हैं। चालीस सेकेंड और हैं आपके पास। ये बड़ा अच्छा पत्ता। पंद्रह सेकंड का समय। पांच सेकंड बचे हैं। 3, 2, 1। बस बापू बच चुका है। आप ये पत्ता वहीं छोड़ दीजिए, हमारे जजेस ने नोट कर लिया है। तो चलिए बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को, विनोद जी। विनोद जी आप तैयार हैं? हाँ जी। तो ये लीजिए कैंची और ये आपका समय शुरू हुआ अब। बहुत फुर्ती दिखा रहे हैं विनोद जी। लाइए लाइए विनोद जी। ये देखिए ये लेकर आए काजू। विनोद जी तो बिल्कुल गोपाल जी स्पोर्ट्समैन की तरह विनोद जी दौड़ रहे हैं और मुझे भी दौड़ा रहे हैं। मैं पूरी तरह थक चुका हूं। गोपाल जी ये वाला भी लग रहा है। ओहो Thank you.
45 सेकंड इनके पास बाकी है। ओहो, अभी थोड़ा मुझे फिर से ले आए हैं। लीजिए लीजिए लीजिए, थोड़ा कंफ्यूज हुए, हे भगवान, सांस आई। एक के बाद एक खूब सारे पत्ते लेकर आए हैं विनोद जी। सारे पत्ते, विनोद जी ने मैराथन मचा दिया है यहाँ पर, और इस सब में मेरी सांस 20 सेकंड और है आपके पास, लेकिन विनोद जी अभी भी लगे हुए हैं और एक 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 करके पत्ते ला रहे हैं। 10 सेकंड, 4, 3, 2, 1। बहुत बच चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। गोपाल जी। जी गोपाल जी, आपने राजेश जी से तो गाना गवा दिया। जी मैं आपसे गाना गवाता हूँ। मुझसे गाना गवाएंगे? जी हाँ, आप ब्रेक की घोषणा कीजिए लेकिन गाकर। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ। छोटा सा ब्रेक लेना है? जी हाँ। ठीक है, तो चलिए लेते हैं एक छोटा 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 सा छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप जल्दी लौट के आइएगा। कौन है इस चरण के विजेता? छोटा सा ब्रेक खत्म हो गया है। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो पे, जिसका नाम है देश की शान किसान। बहुत ही मजेदार मुकाबला चल रहा है। अरे गुरपाल जी। जी गोपाल जी, क्या मजेदार मुकाबला चल रहा है। ये विनोद जी ने तो दौड़ा दौड़ा के जो मेरी हालत पतली कर दी है। चलिए, मेरी किस्मत में तो दौड़ना ही लिखा है। अपने अगले प्रतियोगी को बुलाते हैं। महेश जी, आप तैयार हैं? देखते हैं आप इनको कितना दौड़ाते हैं। महेश जी, चलिए महेश जी, आपका समय शुरू होता है। इधर इधर इधर, मुझे दीजिए, दौड़ना तो मुझे है। महेश जी भी बहुत तेजी तेजी के साथ ला रहे हैं, देखते हैं कितने पत्ते ला सकते हैं वो। 15 सेकंड हो चुके हैं। गोपाल जी। जी गोपाल जी, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल तुम्हारा जाने है। अरे मेरा हाल तो बेहाल है, लेकिन आपके हाल से वाकिफ हैं ये पत्ते और ये बूटे। हाँ, बहुत ही फुर्ती दिखा रहे हैं महेश जी, बहुत तेजी से ले रहे ला रहे हैं पत्ते। डेढ़ मिनट पूरा हो चुका है आपका, आधा मिनट और बाकी है आपके पास। अच्छे से मुआयना करते हुए आप देख रहे हैं, आप अगर इधर 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 आप दो बार अगर एक चीज लाए तो इसके एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे आपको। और 15 सेकंड बचे हैं आपके पास, देख लीजिए अगर आपको कोई और नजर आ रहा हो। एक और 5 सेकंड बचे आपके पास। 4, 3, 2, 1। बहुत बच चुका है। बैठ जाइए महेश जी अपने स्थान पर। महेश जी ने भी बहुत दौड़ाया आपको। बहुत दौड़ाया है। मुझे लगता है कि अगर ये गेम 4-5 बार और खेला गया तो मैं शायद आगे के शोज में ना मिल पाऊँ आप लोगों को। तो चलिए, जजेज ने अपना नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। राजेश जी, आप तैयार हैं? जी सर। राजेश जी, आप बहुत फुर्ती दिखाते हैं, बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, फुटबॉल की एक्सरसाइजेस भी आपने बहुत अच्छी की। थैंक यू सर। चलिए देखते हैं इस राउंड में
आप क्या गुल खिलाते हैं? ये रही आपकी कैंची और ये आपका समय हुआ शुरू। एक करके मुझे एक देना एक बार में एक ही देखिए। बहुत ही फुर्ती राजेश जी, बहुत अपने कबड्डी का हुनर यहाँ दिखा रहे हैं। अभी आधा ही मिनट हुआ है। अगर आपने गलत पत्ते का चयन किया उसके नंबर कटेंगे, और अगर एक ही पत्ता दो बार लाए तो उसके एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए जाएंगे। अगर आप ऐसी चीज लेकर आए जो खाने की नहीं हो तभी नंबर कटेंगे आपके। लगभग एक मिनट पूरा हो चुका है। अब ध्यान देते हुए वो पहले काफी सारे पत्ते वो भाग भाग के ले आए। जी हाँ, अब बहुत ध्यान से देख रहे हैं। थोड़ा आराम करने का मौका मिला है राजेश जी के कंफ्यूजन। राजेश जी, आप एक टाइम एक बार में एक ही पत्ता लाना है। सॉरी नहीं तो फॉल्ट हो जाएगा। 20 सेकंड अभी और है राजेश जी आपके पास। ये थोड़ा सोचा उन्होंने फिर ले आए। 5 सेकंड और हैं आपके पास। 4 3 2 1 समय समाप्त। ये पत्ता ले लिया जाएगा। एकदम डाइव करके उन्होंने एक और पत्ता पकड़ाया उन्होंने। जैसे रन आउट होते होते क्रिकेट में बचते हैं लोग, वैसे ही इन्होंने पत्ता पकड़ाया है। तो चलिए, जब तक जजेस देखते हैं और मुआयना करते हैं, गोपाल जी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। जी, अगली बार जब ऐसा हो ना तो आप एक साथ पत्ते जमा कीजिए और एक ही साथ जजेस को दीजिए, आपको इतना भागना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप ज्यादा सोचते ही नहीं है गोपाल जी। क्यों? ये सोचिए। हाँ, ये सोचता हूँ कि मैं ज्यादा क्यों नहीं सोचता। बहुत ही कड़ा मुकाबला रहा, देखते हैं जजेस का क्या फैसला है, कौन है इस चरण में आगे। एक्चुअली महेश और राजेश ये दोनों में टाई है, 10-10 अंक मिले हैं। दोनों में टाई है, दोनों आगे। महेश और राजेश जी बहुत बढ़िया। तो अगर कोई गलत वाला लेके आया तो आपने नंबर काटे हैं या ऐसा कुछ हुआ है? डबल हुआ तो अभी नंबर काट दिए गए हैं, मतलब अलग से निकाल के रखे हैं। जी और गलत का तो गलत ही है जी, उसका कोई मायना नहीं रखते। दोनों के 10 पत्ते बराबर आए और 5-5 पत्ते एक डबल आ गए तो हुआ है, नहीं तो या फिर गलत हो गया है। और वैसे विनोद और विजय भी पीछे नहीं है, केवल एक एक अंक से पीछे है और उनमें भी टाई नहीं, 9-9 अंक का। बहुत ही कड़ा मुकाबला, ये है कांटे की टक्कर, एक एक अंक से बराबरी का मुकाबला चल रहा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजेदार कड़ाकेदार मुकाबला चल रहा है। लेकिन अफसोस गुरपाल जी। जी गोपाल जी, जब मजा आ रहा है, सब कड़ाकेदार मुकाबला चल रहा है, तो फिर अफसोस किस बात का? अफसोस इस बात का कि समय खत्म हो गया है आज के लिए, लेकिन ये मुकाबला कल जारी रहेगा। जी हाँ, ये मुकाबला कल यहीं से शुरू होगा। ये कांटे की टक्कर बरकरार रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, कल इसी वक्त देखिएगा हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है देश की शान के साथ। गोवा में कितनी नदियां हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या डी 4? अब फैसले का समय आ चुका है।